वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे आज मेहमान हैं सदर हैं जी एस एन तहरीक है, है डॉक्टर सफदर सरकी साहब जिनसे हम उनके सूबा और उनकी सियासत के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पहले तो आप अपनी सियासी तंजीम के बारे में ज़रा मुझे बताइए आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं जी नहीं हम हम उनमें बिलीव नहीं करते क्योंकि उसकी एक वजह है के सेवेंटीज़ तक जी एस एन के बानी साई जी एम सैद ने और उसके फॉलोअर्स ने बाकायदा कंटेस्ट किया था इलेक्शंस में वो कौमी असम्बली के मैंबर भी रहते थे कौमी असम्बली से बाहर सूबाई असम्बली में भी रहते थे जब तक बंगलादेश हमारे साथ था तब तक हम समझते थे कि जो छोटे प्रोवेंसेज हैं मिल के पंजाब की मेजॉरिटी को उसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली लेकिन जब से बंगाल हमसे गया उस वक्त से जी एस एन बनी और उस वक्त से जीएसन ने यह फैसला कर लिया कि हमें पार्लियामेंट में नहीं जाना है देखें तीन सूबे मिल भी जाए अगर हम तीन सूबे विन कर लें, तो भी, तब भी हम, हम उधर मेनॉरिटी में हैं और हम उस कॉन्स्टिट्यूशनलीट हाँ 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 कॉन्स्टिट्यूशनली हम कुछ भी कोई तब्दीली नहीं ला सकते सही बिल्कुण, आप बड़े सूबे के सामने उस सूबे को आप छोटा करना नहीं चाहते नहीं उसको तो भले करें मैं, मैंने कब मना किया है मैंने कहा कि क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है लिहाजा हाँ। उसे छोटा करना ठीक है सिंध के अंदर कुछ तरामीम करना बहुत गलत है और... बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ये, ये क्यों ये इसलिए कि ये सिंध एक फितरी मुल्क है और सिंध ने पाकिस्तान को बनाया पंजाब की अगर असेंबली पंजाब के अगर लोग चाहते हैं मे, मेरा... सर इस फित्री मुल्क का फिर जो दारुल खिलाफा था वो हाँ। फिर मुंबई था फिर वो उसको भी नहीं, नहीं, नहीं मुंबई तो अंग्रेज ने किया था हमने मुंबई के साथ हमें उन्होंने फोर्सफुली सिंध की असम्बली को न, सिंध की लेजिस्टिव को उसके साथ उसके मातहत कर दिया था जिसके लिए सिंध के कॉम्परसों ने उस वक्त साई जेम सेद अलाबकूमरों शेख अब्दुल मजीद सिंधी बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने जेलें काटी और अंग्रेज से उसको तुड़वाया और सिंध की अलग सेपरेट हैसियत बनवाई नाइनटीन एटीन थर्टी थ्री में बरतानिया के साथ सिंध मुल्क की सिंध के वजीर अजम की सिंध की गवर्नमेंट की फ्रेंडशिप ट्रीटी थी लेकिन एटीन फोर्टी थ्री में जब वो उन्होंने अटैक किया मीरों से उन्होंने डॉक्टर साहब अगर पंजाब के लोग कहते हैं कि जी हम भी एक मुल्क थे हमें भी तोड़ा गया वहाँ हिंदुस्तान में तो उसके और मजीद तीन हिस्से कर दिए गए आज आप हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर आप क्या तो हम तो, हम पंजाब की हिस्टोरिक हैसीयत हिस्टो को कब कब तस्लीम नहीं करते हम कब कहते हैं कि वो नेशन नहीं है वो मुल्क नहीं है उनकी 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 आज़ादी को हम कब नहीं मानते पंजाबी आज़ाद हो जाए हम तो खुश होंगे कि क्यों ना आज़ाद से क्या मतलब है खुदमुख्तियार हो जाए भले जो उनकी मर्जी आए करें पाकिस्तान से अलग हो जाए भले अलग हो जाए हमें क्या अच्छा आपके लिए पाकिस्तानी क्या हैसियत है चौदह अगस्त आने वाली है मुझे बलोचियों के लिए पाकिस्तान की हैसियत तो काफी कम है आ, आपके लिए क्या है आप समझते हैं हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये जो चौदह अगस्त आ रही है हमारी गुलामी की शुरुआत का दिन है पहले हम एटीन में अंग्रेज ने गुलाम किया फिर दूसरों ने के फोर्टी में हमें गुलाम किया ये हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है ये हमारे लिए मातम का दिन है आप समझते हैं कि पाकिस्तान सिंध एक नेशन है इसलिए आप लोग सिंध नेशनल बिल्कुल हैं। और बिल्कुल, आप समझते हैं इस वक्त तो आप पाकिस्तान के मातहत हुए में बिल्कुल और ये एक जबर के तौर पर आप बिल्कुल तो सर आप ये फिर समझते हैं कि आपके ख्याल का इजहार क्योंकि वोट में हो नहीं सकता लिहाजा आप अखिलियत में हैं आपकी आपकी सोच रखने वाले लोग कम हैं सिंध में मैं मेरे ख्याल में अगर रियलिस्टिकली रियलिटी में बात की जाए तो बिल्कुल अभी उस नज पे कॉम परस्ती नहीं पहुँची या हमारा ओपिनियन जो है अभी कामन लोगों ने उस लिहाज तक नहीं लिया कि हमारे पीछे आके एकदम स्ट्रगल में खड़े हो जाएं लेकिन साई जी एम सेद के फलसा फ़िक्र ने इतना असर कर दिया है कि अगर वोट किया जाए फॉर हक खुदियत के लिए वोट किया जाए किसी थर्ड पार्टी को बुला के यूनाइटेड नेशंस को बुला के तो हम उस इलेक्शन तो में आने के लिए तैयार उस इलेक्शन के अंदर फिर जब कराची वाले वोट करेंगे वो तो आपसे भी अलग होने का वोट करेंगे तो फिर तो आप... नहीं 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 उस मैं सिंध को क्यों तोड़ूंगा मैं तो सिंध की बात नहीं आप नहीं करेंगे वो तो, तो तोड़ेंगे ना मतलब हर आदमी अगर अपना मफाद देखते हुए खुद मुख्तार छोटा मुल्क बना ले तो क्या फिर नहीं फिर नहीं तो नहीं देखें देखें अभी उसको तस्लीम किया गया उनके लोगों ने बाई माइनर माइनरिटी इसलिए इस इलेक्शन में नहीं जाते हम समझते हैं कि ये बड़ा खला है अगर बंगाल होता तो हम इलेक्शंस में जाते कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करने की कोशिश करते लेकिन लेकिन अभी हम हम देखें आप इलेक्शंस का मैं हाल बताता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासत करती है ना असेंबली में जाती है ना चार दफा उनको किक तीन दफा किक लगी है उनको चार लाशें मिली हैं नवाब अकबर बुक्टी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहा है गवर्नर रहा है असेंबली का मेंबर था उसकी लाश मिली बालाज खान इलेक्टेड असेंबली का मेंबर था उसकी लाश मिली नहीं तो इसको... ये सारी बातें क्या है अगर कोई क्वेश्चन करती का बुनियाद नफरत में नहीं होता नहीं नहीं मोहब्बत में हैब्बत करते हो अपने लोगों से धरती से नफरत करते हो फिर पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हो साई सदाई करी सिंध मत सुठा दिलदार एक भी लफ्ज हमें नफरत का नहीं सीखता अपने अंदर तो नहीं होता बाहर की बात कर रहा हूं बाहर भी नहीं भले वो अलग हो जाए जाएंगे ईमानदारी भल... से यह है कि हमें पंजाब से मोहब्बत है हमें भाई वो एक अलग ब्यूटीफुल कल्चर है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, है। ब्यूटीफुल कंट्री है बिल्कुल अलग है हमारे मफाद्री है बिल्कुल हमारे मफाद वो गौम है एक कंट्री है पंजाब हमारे मफादात इकोनॉमिक हो जियोपॉलिटिकल हो अलग है सबके अलग है पख्तूनों के अलग हैं बलोचों के अलग हैं सिंधियों के अलग हैं पंजाबियों के अलग है। हैं सर अगर आपकी बातें इस वक्त हम डिवाइडेड माशा हैं जब जहाँ पे गुरबत है वहाँ पर और डिवाइडेड है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं एक घर दूसरे घर से डिवाइडेड है अगर एक घर गर गरीब पठान का है और एक घर गर गरीब उर्दू स्पीकर का है गुजराती स्पीकर का है सिंधी का है सिंधी स्पीकर का है तो सर और अमीर लोगों के अंदर ये सारी मिटा दी जाती हैं बातें तो लिहाजा आपकी बात अगर मैं समझूं तो उस गुस्से वाले सिंधी स्पीकर को बड़ी पसंद आती है और बाकी किसी को पसंद नहीं ऐसी नहीं, बात नहीं है ना देखें देखें गुस्से वाले सिंधी की तो बात ही नहीं ये तो लॉजिक की बात है तो लॉजिक किसी को समझ नहीं आता ना मेरे स्पीकर को समझ आता आपका लॉजिक मैं समझाता हूँ पंजाबी मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ मेरी धरती पर जो लोग बसते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ सर वो नहीं समझते ना मेरी समझते जमीन पर बसते हैं भाई मैं समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूं आपने मुझे बुलाया मुझे समझाने दे देखे मैं ये समझा रहा हूं कि 2000 अरब रुपया सिंध अर्न करती है सिंध जो है 80 परसेंट पाकिस्तान सिंध की मनी से चलता है उस सिंध देता है उसको 71 परसेंट हम हमारी गैस निकलती है 67 परसेंट ऑयल निकलता है 400 बिलियन रुपीस पोर्ट से आते हैं दो हजार अरब कमाने वाली सिंध अगर आजाद हो जाए मिसाल के तौर पर ये सब पैसा उसको मिल जाए एक बात कोई भी भूखा और गरीब नहीं सक, रहेगा एक सेकंड, हाँ ये जो आप सारी बातें हम कह करते हैं ये इनमें से नबे नब्बे नब्बे फीसद दो हज़ार अरब में से 90 फीसद अस्सी फीसद मीशत में से नब्बे फीसद यानी कि पचहत्तर फीसद ये सब कराची है और कराची कि, कराची 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 वाले आपसे क्यों किसने कहा की आ, से नहीं 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 गैसोलीन जो है नेचुरल नेचुरल गैस छोड़ दें आप। गैस आप छोड़ अभी कोल की तो मैं मैं बात ही नहीं, नहीं, नहीं कर रहा आपको मैशत की बात कर रहा हूँ बात कर रहे हैं मैशत की नहीं कहता किसी भी कराची के सियासतदान नहीं हाँ, मैं मैं नुमाइंदा बन के नहीं 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 मैं यही हाँ, हाँ, कह रहा हूँ कराची, तो हाँ, 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 कराची की सियासत में आप इतने मकबूल नहीं है और इसकी वजह से शायद ये लगता है कि आप जब हम कह के, के, के कराची को साथ मिला लेते हैं तो वो इस तरह ना देखें देखें मेरे भाई मैं आपको समझाता हूँ चालीस लाख सिंधी इस वक्त भी कराची में रहते हैं ठीक इसके कदीम बलोच रहते हैं इसके अलावा दूसरी कौमें भी कराची में रहती हैं जो दूसरे लोग हैं वो भी कराची में रहते हैं सब ये ख्याल नहीं है जो ख्याल आप बता रहे हैं आज अक्सरियत और नहीं आज आज नहीं अक्सरियत कहती है कि सिंध का टूट अंग है इसको कोई भी ना जुदा कर सकता है ना तोड़ सकता है अगर इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा मैं आज इस ओपन फोरम पे आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि दुनिया ने बैरूत देखा था दुनिया ने फलस्तीन का कॉन्फ्लिक देखा था यह कॉन्फ्लिक उससे खतरनाक होगा आप थ्रेट कर रहे हैं बेसिकली नहीं आई एम टेलिंग यू द्रूथ आई एम टेलिंग यू आ, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के आ, लीडर आप होंगे ना रियलिटी I'm you the ये, of us. ये है कि आप हाँ। लड़ने के लिए सामने खड़े होंगे और वो भी देंगे धरती नहीं, 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 धरती के 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 हर इंच साढ़े चार करोड़ सिंधी जो इस धरती पे रहते हैं और दो करोड़ सिंधी जो डायस्परा में रहते हैं वो अपने सिर कटाने के लिए तैयार है आप उनके नुमाइंदे कैसे बन गए साढ़े छह करोड़ लोगों को देखे जब मैं तो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पीछे तो लोग नहीं है ना भाई मैं पार्लियामेंट में तो नहीं हूं वो तो पीपुल्स पार्टी वाले तो ये भी ब्लेम करते हैं ये तो यूसी भी नहीं जीत सकते यूसी जी, भी न जीतने वाले ने काल दी दो दिन पहले पूरा सिंध बंद हो गया पूरी दुनिया में डेमांसट्रेशन हुई है सिर्फ सिंध में नहीं पूरी दुनिया में लंडन में डेमांसट्रेशन हुई है यूएसए में डेमांसट्रेशन पूरी दुनिया में डेमांसट्रेशन हुई तो यूसी न जीतने वाला ये आपको बता रहा है आज इस ओपन फोरम में आपके मैं अवाम से मुखातिब हूँ अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों से मुखातिब हो कि भाई खुदा के लिए ये आपकी धरती है आपकी माँ है जैसे आप क्लेम करते हो हम किसी भी सूरत में किसी के हकूक को नहीं खाना चाहते हम मिल बैठ के भाई इस वतन की इस धरती की हिफाजत करना चाहते हैं लेकिन अगर कोई मेरी इस हज़ारों सालों पुरानी थी इधर यूनानी ग्रीस आया मंगोल्स आए जितने पावर सेंटर्स थे मेरी या हमारी क्या आपने कहा मेरी धरती तो मेरी या हमारी 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 सबकी हमारी, सब हमारी। सिंध धरती पे मंगोल्स आए चाइनीज आए मुगल एम्पायर्स आए अरगोन आए तुरखान आए लेकिन आज उनके बाक्यात में कब्रें मिलती हैं सिंध वहीं पे है सिंधियत वहीं पे है मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी सिंध को तोड़ने की कोशिश करेगा सिंध को पामाल करने की कोशिश करेगा सिंध की ये हिस्ट्री के हम अदम तशद हम हाथ जोड़ने वाले लोग हैं हम आ, हम सूफी लोग हैं हम इस वक्त लेकिन अगर अलग करने की बात जी हम तहरीक जी तहरीक और पूरी सिंध की जितनी भी कौमी तहरीक में जमाते हैं आज तक हथियारों की बात हमने नहीं लेकिन तशद की बात नहीं की देखें अपने दिफा अपनी धरती के दिफा में All means justify हो जाएंगे ऑल मीन्स तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उस तरफ नहीं ले जाओ क्योंकि देखें नौजवान हैं लोग हैं जो एक दूसरे का गला काट रहे हैं हजारों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं अंदरूनी सिंध मैं इंटीरियर सिंध की बात कर Say. रहा हूँ लाड़कना सखर शिकारपुर जिकाबाद है ना अफरा तफरी अमन अमान का मसला है एक दूसरे Say. को मार रहे हैं कबाइली जंगे हैं हर चीज है अगर उनका रुख इस तरफ मोड़ दिया उस तशद को सियासत में हम घसीट ले आए इतना प्रेस किया तो ये खुदा न खासा सर ये प्यारी लैंड यह कराची इसको नज़र लग जाएगी और ये सेकंड बेरूत और उससे भी वर्स्ट हो सकता है एक ब्रेक लेते हैं सरगी साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कि यह लड़ाई जो हो जाएगी जो पीपल्स पार्टी कहती है हमारी लाशों पे से होगा वो शायद इनको खुश करने के लिए कहती है और ये इस बात से काफ़ी ख़फा है कि आप इस तरफ जाएँ भी ना आप लोग देखने सियासत मनाएं आप अगर इस शो को या पुराने शोज देखना चाहें तो फेसबुक डॉट काम स्लैश सियासत मनाए जा सकते हैं पेज पे यू कैन जॉइ द डिबेट बैक विद यू आफ्टर ब्रेक